आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। ईडी के भगोड़े और आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी पर शिकंजा कसने की तैयारी हो गई है। सोमवार को ईडी की ओर से सिंगापुर और मॉरिशस के लिए दो एलआर भेजा गया है। आपको बता दें कि साल 2009 में ललित मोदी ने सिंगापुर में सोनी की सहायक कंपनी मल्टी स्क्रीन मीडिया और वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप के साथ डील साइन की थी। ईडी ने इसी को लेकर ये एलआर भेजा है। ईडी ने एमएसएम और डब्ल्यूएसडी के बैंक खातों के लेन देन की जानकारी भी मांगी है। ईडी जांच कर इन कंपनियों के ललित मोदी के साथ रिश्तों के बारे में पता लगाना चाहती है। अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इसी हफ्ते ब्रिटेन को भी लेटर रोगेटरी भेजा जा सकता है। अखबार के मुताबिक 2013 में यूके के रिवाइज्ड एलआर मांगने के बावजूद ईडी ने एलआर नहीं भेजा था। आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस पूरे मामले को लेकर ईडी की टीम सिंगापुर पहुंच चुकी है। तो ललित मोदी पर शिकंजे की तैयारी कर चुकी है सरकार और किस तरह से उनकी मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं।